Hello everyone, so this is Saad Hussain as and I prefer to call me Saad. शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा. I'm a poet though, लेकिन हाँ I prefer telling narrating this story. तो बचपन में मेरा एक दोस्त था, ठीक है, बहुत क्लोज था. You can call him my better half, उतना क्लोज था. तो बट वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट था लाइफ में एंड पढ़ाई में भी बहुत बिलो एवरेज. स्पोर्ट्स तो पूछो ही मत. एंड देन लुक्स के पास आते आते तो बेचारे को लड़कियां भी भाव नहीं देती थी. एंड देन मतलब एकदम वो कुछ करना चाहता था. उसके दिल में उसके ज़िंदगी में एक जुस्तजू थी कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की, दुनिया को ये बताने की कि हाँ वो एक मकसद से पैदा हुआ है, कुछ करने के लिए पैदा हुआ है. एंड देन घर में भी उसको ज़्यादा भाव नहीं देते थे लोग, उसके फैमिली मेम्बर्स. इनफैक्ट बहुत बहुत अकेला था. मैं एक दिन अचानक बिछड़ गया उससे. ऐसे मौके पे बिछड़ा के समझो वो उसके लिए बहुत क्रिटिकल था. वो लाइफ का समय बहुत क्रिटिकल था. उस टाइम पे मैं उससे बिछड़ गया, बहुत अकेला पड़ गया था. कुछ करना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आता था. एंड देन व्हेन ही वाज इन 10th स्टैंडर्ड, यहाँ पे तारे ज़मीन पे तो सब देखी होगी ना, तो जैसा ईशान को उसका आमिर खान मिलता है वैसे ही 10th में उस लड़के को ऐसे ही एक बंदा मिला था. एंड ही इज़ नन अदर देन APJ अब्दुल कलाम. एंड जब वो उससे मिला उसकी लाइफ 180 डिग्रीज पलट गई एकदम. एंड जब उसकी लाइफ 180 डिग्रीज पलटी, मैं उससे उस टाइम पे वापस मिला, हम लोग वापस मिले. एंड वो आदमी आज आपके सामने यहाँ स्टेज पर बैठा है माइक पकड़ कर आपसे बात करते हुए. थैंक यू. जो इंसान किसी से कुछ पूछने के लिए भी 10 बार दिमाग में सोचता था कि कैसे बोलूं, क्या बोलूं, सेंटेंस कैसे फ्रेम करूं, वो आज विद दिस कॉन्फिडेंस इज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू. तो इसी से एक शेर दिमाग में आता है कि हाँ माना सबसे काबिल नहीं ना सबसे अव्वल आता हूँ. हाँ माना सबसे काबिल नहीं ना सबसे अव्वल आता हूँ. हाँ माना सब कुछ पता नहीं, गिर गिर कर ही सीखा हूँ. हाँ माना सब कुछ पता नहीं, गिर गिर कर ही सीखा हूँ. झापड़ बहुत पड़े हैं मरहम काफ़ी लगाया हूँ. झापड़ बहुत पड़े हैं, मरहम काफ़ी लगाया हूँ. गिरता हूँ फिर उठता हूँ, हड्डी वड्डी टूट कर भी वही हाथ पाँव से आगे बढ़ता हूँ. तुम लाख मुझे नीचा करोगे, हौसला नहीं गवाऊंगा. तुम आखिर कर थक जाओगे, मैं सौ कदम ऊपर चढ़ जाऊंगा. एंड अभी स्कूल की तो लाइफ हुई, एंड देन वहां पर आता है पहला प्यार, जिसको जो 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 सबके नसीब में नहीं होता, एक्चुअली काइंड ऑफ नहीं होता, लेकिन अगर होता है तो एक तरफा होता है. तो अभी उस स्कूल वाले प्यार के बारे में बात करते हैं कि एक किताब थी वो जिसके पीछे नाम था उसका. एक बचपना जिसका नाम फ्लेम्स था. एक सुकून जो उसको देखकर दिल में महसूस होती. एक घबराहट जो उसको मुझे पलटकर वापस देखने पर होती है. ये एहसास जो पहले प्यार का होता है, ये अक्सर स्कूल में पाया जाता है. यहाँ पर कौन कौन है जो हैदराबाद से नहीं है? Yeah, so you all will definitely relate to it. एक वो शहर था जहाँ यार दोस्त थे. एक ये शहर है जो जिसमें फुर्सत ही नहीं. एक वो इलाका था जहाँ रुआब था मेरा. एक ये बस्ती है जो पलट कर नहीं पूछती. अभी इसी बीच
आपके लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ आप थोड़ा लो फील करते हैं ना, कि हर एक की लाइफ में आता होगा शायद, जहाँ पर आप आपको कुछ ऐसा होता है कि मैं किस कुछ अच्छी चीज़ के लिए बना हूँ है ना, दुनिया में कुछ अच्छी चीज़ के लिए मैं यहाँ लाया गया हूँ, और आपके एक जस्तुजू आती है आपके दिल में, आपके दिमाग में कि हाँ मैं कुछ कोशिश कर कर एक मकसद है मेरा वो पूरा करूँगा। तो उसके ऊपर ये लिखा था कि कुछ पाने को बहुत शिद्दत से चाहा था, कुछ पाने को बहुत शिद्दत से चाहा था, बहुत अरसे बाद ऐसा जज्बा पैदा हुआ था, कुछ पाने को बहुत शिद्दत से चाहा था, बहुत अरसे बाद ऐसा जज्बा पैदा हुआ था, कुछ कदम ही बाकी थे मुकम्मल करने के, कुछ कदम ही बाकी थे मुकम्मल करने के, बहुत पास आके कुछ कदम दूर रह गया था, बहुत पास आके कुछ कदम दूर रह गया था, अफसोस इतना हुआ कि मुकाम से तो हारा ही जज्बा भी गवा बैठा, अफसोस इतना हुआ मुकाम से तो हारा ही जज्बा भी गवा बैठा, फिर मुश्किल था खुद से उठ पाना, अफसोस इतना हुआ कि मुकाम से तो हारा ही जज्बा भी गवा बैठा, फिर मुश्किल था खुद से उठ पाना, वजह भी आसानी से नहीं मिलती, वजह भी आसानी से नहीं मिलती, शहर के सूरज जैसा होता तो क्या होता, वजह भी आसानी से नहीं मिलती, शहर के सूरज जैसा होता तो क्या होता, पीढ़ियां निकल जाती है कुछ कर दिखाने, पीढ़ियां निकल जाती है कुछ कर दिखाने, जिंदगी में आसान क्या होता, पीढ़ियां निकल जाती है कुछ कर दिखाने, जिंदगी में आसान क्या होता, तुम बिस्तर से निकलोगे तभी तो कुछ कर पाओगे, तुम बिस्तर से निकलोगे तभी तो कुछ कर पाओगे, दुनिया को वक्त नहीं लगता किसी को भुलाने, दुनिया को वक्त नहीं लगता किसी को भुलाने। एक आखिरी नज्म है जो सुना के इजाज़त लूँगा। ये नज्म मैंने उस टाइम पे लिखी थी जहाँ पे आई वॉन्ट टेल अबाउट मी, आई टेल अबाउट थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। एक दोस्त था मेरा जिसको इश्क हुआ था, और वो एक तरफा इश्क था, और वो इश्क भी ऐसा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया लेकिन दिल में कुछ ऐसी चीज़ें बाकी रहती है जिसको आपको बताना होता है लेकिन आप बता नहीं सकते क्योंकि शायद वो समझेंगे नहीं। तो ये लिखा था कि एक ख़त है तुम्हारे नाम का दिल के डाक खाने में, एक ख़त है तुम्हारे नाम का दिल के डाक खाने में, लिखा हूँ वो सारी बातें जो बयां नहीं हो पाई जुबान से, एक ख़त है तुम्हारे नाम का दिल के डाक खाने में, लिखा हूँ वो सारी बातें जो बयां नहीं हो पाई जुबान से, सोचता रहा साथ रहने तक कि कैद हो जाएंगे वो इस दिल के दरवाज़ों में, एक ख़त है तुम्हारे नाम का दिल के डाक खाने में। अपने इश्क की जद्दोजहद लेकर भटकता रहा, अपनी इश्क की जद्दोजहद लेकर भटकता रहा, तुम्हारे हाँ में हाँ और ना में ना मिलाता रहा, बस एक हाँ की बेसब्री से तमन्ना थी, एक हाँ में अपने आप को तुम पर लुटाता रहा, आते जाते निगाहें अब भी तुम्हें ढूंढा करती है, आती जाते निगाहें अब भी तुम्हें ढूंढा करती है, जिसकी एक नज़र काफ़ी थी दिल को बहलाने में, एक ख़त है तुम्हारे नाम का दिल के डाक खाने में। सो दैट्स माय डाइन, थैंक यू।